मैं बहुत स्नेह और बहुत ही आदर के साथ पिलखुआ से पधारे ओज के कवि श्री बागीश दिनकर जी को बुला रहा हूं और आपसे चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए आज के समारोह के अध्यक्ष श्रद्धेय अग्रज सदानंद प्रसाद गुप्त जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे लग रहा है कि अब उनके आने से हिंदी और अधिक आनंद का अनुभव करेगी। एक बार पुनः आप मंचस्थ सारे रचनाकारों का उन सहित हार्दिक स्वागत कीजिए। तालियां बजाकर मुझे निर्देश दे दीजिए, मैं करता हूं। सुनते हैं कवि अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता, क्या बात है। सुनते हैं कवि अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता, युग के हंसने पर कभी हंसता, युग रोता कभी रोता, क्या बात। युग के हंसने पर कभी हंसता, युग रोता कभी रोता। तो कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है और सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। बहुत अच्छे। सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। तो कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है, कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है। घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। तो युग की सुप्त शिराओं में, युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है। अरे वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है, क्या बात। वह समाज मर जाता है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। तो ठकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का धर्म नहीं है, शासक को भी दिशा दिखाए कवि का कर्म यही है। शासक को भी दिशा दिखाए कवि का कर्म यही है। तो मित्रों, अपने घर में रहने वाला जब आतंक मचाए, अपने घर में रहने वाला जब आतंक मचाए, घर का मालिक ही घर में जब शरणार्थी बन जाए, घर का मालिक ही घर में जब शरणार्थी बन जाए, बहन बेटियों अबलाओं की लाज न जब बच पाए, और मजहब का उन्माद भाईचारे में आग लगाए, दलगत राजनीति की दलदल में जब दल फंस जाए, और 15 और 85 में जब भेद नहीं रह पाए, पंद्रह और 85 में जब भेद नहीं रह पाए, जब सच को सच कहने का साहस समाप्त हो जाए, दूभर हो जाए जीना, विष पीकर मरना भाए, तब कविता नूतन युग का निर्माण किया करती है। निर्बल को बल, प्राणहीन को प्राण दिया करती है। निर्बल को बल, बहुत अच्छे, प्राणहीन को प्राण दिया करती है। तो कविता जन जन को विवेक की तुला दिया करती है, और कविता मन मन के भेदों को भुला दिया करती है। वाह, तो कवि की चाह यही है भारत भेदभाव को भूले और भारत के गौरव की गरिमा उच्च शिखर को छूले, भारत के गौरव की गरिमा उच्च शिखर को छूले। आज के इस कवि सम्मेलन का पहला रचनाकार और छोटा रचनाकार होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। भारत युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, पर फिर भी भारत युद्ध नहीं चाहता, युद्ध भारत नहीं चाहता। विश्व मंगल भाव का सिरमौर मेरा देश भारत दे रहा है, युग युगों से शांति का संदेश भारत। अरे युद्ध का परिणाम जनहित में नहीं यह जानता है, टालना संघर्ष को यह ध्येय अपना मानता है। किंतु पापी दैत्य इसका अर्थ कब पहचानता है, शांति को वह विवशता असमर्थता ही मानता है। तो देव आपके हाथ खुले, देव जब लाहौर में मैत्री सुधा बरसा रहा था,
दैत्य करगिल में उसी क्षण दुष्टता दिखला रहा था। तो पाक, क्या बात है, पाक यदि पहचान अपनी, पाक यदि पहचान अपनी दुष्टता ही मानता है तो देश भारत दुष्टता को कुचलना भी जानता है। वाह वाह, तो देश भारत क्या बात है, दुष्टता को कुचलना भी जानता है। अरे दुष्टता के दमन का इतिहास जो हमने रचा है, स्वाद उसका स्वयं तीन तीन बार इसने भी चखा है। तो यहां सैनिक सीखते हैं लोरियों में देशभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। तो यहां की वीरांगना, आप सभी राष्ट्रवादी श्रोताओं की हाथ खुलने चाहिए यदि मेरी पंक्ति आप तक पहुंचे, यहां की वीरांगना, यहां की वीरांगना बलि की महत्ता जानती है और पति के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वाह वाह बागी जी, वाह, यहां की, वाह, यहां की वीरांगना, बहुत बहुत धन्यवाद, यहां की वीरांगना बलि की महत्ता जानती है, अरे पति के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। तो यहां सैनिक सीखता है लोरियों में देशभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। तो यहां की वीरांगना, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति, यहां की वीरांगना बलि की महत्ता जानती है, पति के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर सैनिक यहां जूझेगा जुझारू रूप लेकर, राष्ट्र की रक्षा करेगा यह बहादुर प्राण देकर। तो हम न अब चुपचाप बैठेंगे कुटिल आघात सहकर, और हम न होंगे शांत बस घुसपैठियों की बात कहकर। और यदि एक भी घुसपैठिया रह जाएगा हम दम न लेंगे, तभी जा हम शहीदों के श्रेष्ठ स्वजनों से कहेंगे, माँ 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 तुम्हारे दूध का संकल्प पूरा हो गया है, बहन तेरा लाडला निश्चिंत होकर सो गया। वाह 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 वागीश भाई, वाह, बहन तेरा लाडला निश्चिंत होकर सो गया है। तो बालको तुम हो ना अब उद्विग्न आतुर और विह्वल, अरे तुम्हारे श्री पिताजी का हो गया निशेष रिपुदल। तो कौन कहता है, एक बार फिर मंच को समर्पित करता हूं, पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, कौन कहता है तुम्हारा पूछ गया सिंदूर देवी, अरे सूर्य मंडल को गया है भेद कर वह राष्ट्र सेवी। सूर्य मंडल को गया है भेद कर वह राष्ट्र सेवी। वीर के बलिदान से इतिहास उज्जवल हो गया है, ओ पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है, ओ पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है। अंतिम पंक्तियां बोलता हुआ, ओ पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है। तो हमें अपनी मातृभू की मान्य महिमा की शपथ है, हमें सीमा रक्षकों की गर्व गरिमा की शपथ है, हमको हमारे शहीदों के रक्त कण की शपथ है, सब राष्ट्र सेवी साधकों के प्राण पण की, हम करेंगे राष्ट्र के रक्षार्थ तन मन धन समर्पण, और हम करेंगे शत्रुओं के पिंड से ही श्राद्ध तर्पण, हम करेंगे शत्रुओं के पिंड से ही।